नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। मेरे पास जो मैसेज आया है उसमें पूछा गया है कि मेरा अपना घर साउथ फेसिंग है, साउथ ईस्ट के भाग में मेरा मेन गेट लगा हुआ है और साउथ वेस्ट की ओर मैंने अपनी दुकान ओपन की हुई है। क्या साउथ ईस्ट के भाग में मेन गेट और साउथ वेस्ट के भाग में शटर लगा हुआ है वो वास्तु के अनुसार सही है या नहीं है, आज मैं इसी के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। वास्तु के अनुसार आपने साउथ ईस्ट के भाग में मेन गेट बनाया हुआ है और साउथ वेस्ट के भाग में अपनी अपनी दुकान बनाई हुई है तो उसमें कोई भी वास्तु दोष नहीं बनता। वास्तु दोष बनने के एक नहीं बहुत सारे कारण बनते हैं। जो बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, समझिए और विचार कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ही आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता रहता हूँ। यदि आपकी दुकान का फर्श का लेवल आपके जो मेन गेट का भाग है, यानी जो आपका साउथ साउथ ईस्ट का भाग है, उसके फर्श के लेवल से नीचा है तो आपके यहाँ वास्तु दोष जरूर बनेगा, आपके यहाँ प्रॉफिट आ ही नहीं सकता। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने यहाँ पर साउथ फेसिंग आपका प्लॉट है और उसमें साउथ ईस्ट के भाग में आप गेट लगाते हैं और साउथ वेस्ट के भाग में दुकान बनाते हैं, तो दुकान का जो फर्श का लेवल है वो पोर्च के फर्श के लेवल से हमेशा ही ऊंचा होना चाहिए। अब बात करते हैं हम शटर की और मेन गेट के। जो आपका मेन गेट है और जो आपका शटर है, जब दुकान आपकी ऊंची हो जाएगी तो आपके घर का साउथ वेस्ट का भाग हमेशा के लिए ऊंचा हो जाएगा। शटर साउथ वेस्ट के भाग में आने से कोई भी वास्तु दोष नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी जो दुकान है वो आपके घर के सेपरेट भाग में है, यानी साउथ वेस्ट के भाग में है, तो उसमें जो आपने अपना शटर लगाना है आपके यहाँ लगा हुआ है तो ठीक है। यदि आप अपनी नई दुकान बनाने जा रहे हैं तो उसमें आपने ध्यान रखना है जो साउथ वेस्ट का कॉर्नर है वो कम से कम 2.5 से 3 फीट का, यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर साउथ की तरफ से 2.5 से 3 फीट का एरिया कवर होना चाहिए, सॉलिड वॉल होनी चाहिए और उसके बाद आपका शटर लगना चाहिए। वो एरिया कवर करने से आपको बेनिफिट हमेशा मिलता रहेगा, आपकी दुकान भी अच्छी चलेगी और घर के अंदर खुशहाली भी बनी रहेगी। लेकिन आप अपनी दुकान बना चुके हैं और आपका शटर साउथ वेस्ट कोने में एक कॉलम बन के उसके बाद आपका शटर लगा हुआ है, वो कॉलम आपका 9 इंच का है, 12 इंच का है या 18 इंच का है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें आपने ध्यान रखना है, आपका शटर और आपका अपना मेन गेट टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। इसी के साथ बहुत सारी जगह देखने में आता है कि गेट, यानी जो अपना मेन गेट है या शटर है, उसके ऊपर पेंट की पपड़ी बन के उतरनी शुरू हो जाती है, उसके कारण भी वास्तु दोष बन जाता है। ऐसे में आपने हमेशा ध्यान रखना है, आपका अपना शटर और मेन गेट हमेशा सही होना चाहिए। सही का मतलब ना तो जंग लगा हुआ होना चाहिए, ना पेंट की पपड़ी बनी हुई होनी चाहिए और ना ही गेट खुलते या बंद करते आवाज़ करना चाहिए। ऐसे ही शटर ऊपर नीचे करते हुए यदि आवाज़ करता है, अटकता है या ऊपर से नीचे आके सीधा फर्श पर लगता है तो वास्तु दोष बन जाता है। तो आपने इन बातों का ध्यान रखना, अपने मेन गेट को और अपने शटर को बिल्कुल सही कराना है। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, जो आपका मेन गेट है और शटर है यहाँ पर आपने रेड कलर का पेंट कराना है, मेन गेट पर भी और शटर पर भी, अंदर और बाहर दोनों तरफ से आपने रेड कलर का पेंट करवाना है। रेड कलर साउथ के भाग में आने से आपके यहाँ पैसे आने के साधन को बढ़ा देता है और पैसा आता है, आपकी जो दुकान है वो अच्छी चलेगी और आपका नाम आपके इलाके में, आपके अपने एरिया में बहुत बढ़िया होगा। जो बातें मैंने आपको बताई है आप इन बातों का ध्यान रख के अपने फ्रंट के भाग में, यानी मेन गेट को और शटर को सही करेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को अपने सर्कल में शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। यदि आप भी वास्तु की कोई जानकारी चाहते हैं या आपका अपना कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे कि उसके बारे में आपको जवाब जल्द से जल्द दिया जाए। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।